डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने वाट गवर्नर और पोर्टर गवर्नर के न्यूमेरिकल्स किए थे। इस लेक्चर में हम प्रोइल गवर्नर और हार्टनेल गवर्नर के न्यूमेरिकल करेंगे। तो क्वेश्चन इज, ईच आर्म ऑफ ए प्रोइल गवर्नर इज 240 mm लॉन्ग एंड ईच रोटेटिंग बॉल हैज़ अ मास ऑफ 3 किलोग्राम। द सेंट्रल लोड एक्टिंग ऑन द स्लीव इज 30 किलोग्राम। द पिवट ऑफ ऑल द आर्म्स आर 30 mm फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन। द वर्टिकल हाइट ऑफ द गवर्नर का ये बोला गया कि जो पोर्टर गवर्नर की जो आर्म है वो एक्सेस पे अटैच नहीं है, जबकि एक्सेस से 30 mm की डिस्टेंस पर अटैच है। मतलब ये कुछ इस तरीके से, ये 30 mm यहाँ है और 30 mm ये यहाँ है। और जो एक्सटेंशन लिंक्स, ये वाली जो एक्सटेंशन लिंक है वो कैसी बताई गई है, वर्टिकल बताई गई है। ठीक है, ऐसा कुछ बताया गया। ये 30 mm बताया गया है और जो हरे आर्म है ये 240 mm बताया गया है। अगर ये 240 है तो ये भी 240। ठीक है, ये 30 तो ये भी 30 दिया है। अब अगर इस वाले में हम कोई भी ट्राइंगल बनाते हैं, कोई भी ट्राइंगल अगर यहाँ बनता है तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों सिमेट्रिक ट्राइंगल होंगे और जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल यहाँ बनेगा। इस वाले जो एंगल यहाँ बन रहा है या यहाँ बन रहा है वही एंगल यहाँ बनेगा। ठीक है, वो देख लेते हैं, अभी फिगर में देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहले तो देख लेते हैं क्या क्या डेटा हमें दिया हुआ है। तो ये दिया गया कि जो गवर्नर कैसा है, द गवर्नर इज प्रोइल गवर्नर, आर्म हर एक आर्म की लेंथ 240 mm दी गई है और जो मास दिया गया वो 3 किलोग्राम दिया गया। ठीक है, किसका, बॉल का मास, दिस इज अ मास ऑफ द बॉल। ये 30 kg जो है वो स्लीव का मास दिया गया है। पिवट डिस्टेंस 30 mm दिया हुआ है। वर्टिकल हाइट ऑफ द गवर्नर इज, वर्टिकल हाइट, तो ये जो वर्टिकल हाइट है वो 190 mm है। ये जो वर्टिकल हाइट है वो पिवटेड पॉइंट से यहाँ से यहाँ तक की दी गई है, ना कि गवर्नर हाइट। ये वाली हाइट दी गई है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट। ठीक है, पीछे वाली हाइट नहीं दी गई है। एक्सटेंशन लिंक्स वर्टिकली है। गवर्नर की स्पीड दे दी है 180 rpm एट मिड पोजिशन, जब आपका स्लीव मिड पोजिशन में। तो लेंथ ऑफ एक्सटेंशन, जो एक्सटेंशन लेंथ है एक्स, वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, एक्सटेंशन लेंथ हमने मान लिया एक्स, उसको कैलकुलेट करना है। अपर आर्म में टेंशन जो टी है वो मान लिया हमने टी, वो कैलकुलेट करना है क्योंकि इसमें फ्रिक्शन नहीं दिया है, इसलिए हम एज्यूम करेंगे फ्रिक्शन एफ इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो ये कुछ डेटा, क्योंकि डेटा नहीं दिया हुआ है तो दैट डेटा वी विल एज्यूम इन दिस केस। चलिए, इसका सबसे पहले तो हमें इसका डायग्राम देख लेना है। तो देखो, ये अभी मैंने डायग्राम जो बनाया वही है, यहाँ से यहाँ तक कि डिस्टेंस 30 mm दिया गया है। पिवटेड डिस्टेंस 30 mm ये है, 30 mm ये है। ये जो बॉल्स हैं वर्टिकल हैं, ये एक्सटेंशन लिंक, ये वाली जो लिंक एक्सटेंशन लिंक है, तो ये एक्सटेंशन लिंक जो है वो वर्टिकल है इस वाले केस में। तो ये एंगल थीटा बनता था, या तो आप थीटा यहाँ बना लो या वेला थीटा बना लो, और बीटा यहाँ बनता था या यहाँ बना लो। अब देखो, ये जो दोनों एंगल, अगर कुछ डायग्राम कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बन रहा है। ये एंगल थीटा और ये एंगल बीटा होता था। अब देखो, हमें पता है क्योंकि ये यहाँ इस वाले केस में ये वाली हाइट दी गई है, ये एच दिया गया है, और ये हाइट हम क्या मानते थे, अगर आप हम अगर न्यूमेरिकल्स जो एनालिसिस देखेंगे तो इसको हम ए मानते थे। ठीक है, देखो ना, पिछले वाले नंबर मिल जाएगा ये। अब देखो, ये एंगल बीटा, ये एंगल बीटा। अब आपको पता है ये वाली आर्म और ए वाली आर्म आपस में बराबर है, और ये एंगल, जब ये दोनों आर्म बराबर है, यहाँ से आता कि डिस्टेंस बराबर है, ये डिस्टेंस भी बराबर है। ठीक है, तो ये दोनों एंगल बीटा हैं, दिस एंगल बीटा और थीटा दोनों आपस में बराबर होंगे। सिमेट्रिक ट्राइंगल जो है, सिमेट्रिक ट्राइंगल वाला केस है, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। ठीक है, जब ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमेट्रिक हैं, इसका मतलब ये जो हाइट एच है, ये हाइट एच इस ए के बराबर होगा। इस केस में एच ए के बराबर होगा। ठीक है, चलिए, तो वही यहाँ समझाया गया है। तो देख लो, वही 240 mm है। ठीक है, अच्छा, इसमें हमने टी, क्योंकि टेंशन है इस आर्म के अंदर, ऊपर वाली आर्म में ये टेंशन टी है, तो ये एंगल थीटा, तो इसका एक कंपोनेंट टी कॉस थीटा उधर आ जाएगा, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, टी साइन थीटा इधर आ जाएगा।
ठीक है। अच्छा, इसका वेट, क्योंकि जो बॉल है, इस बॉल का वेट डाउनवर्ड लग रहा होगा इधर बाहर की ओर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा। ये नहीं, सॉरी, यहाँ नहीं लगेगा, वो यहाँ लगेगा सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। ये एंगल बीटा जो 240 यहाँ से आता है। अब देखो स्लीव, क्योंकि बॉल ऊपर की ओर मूव कर रहा है, इस स्लीव तो मास नीचे लगेगा क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जीरो है, फ्रिक्शन फोर्स जीरो है, बाकी और कोई चीज़ें नहीं, तो फ्रिक्शन फोर्स जीरो काउंट करेंगे तो एवरेज फोर्स जो स्लीव पे लग रहा होगा वो mg/2 लगेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ए दी गई है, ये वाली डिस्टेंस ए दी गई है, तो सिमेट्रिक केस है, ये सिमेट्रिक ट्राइंगल है, तो ए की वैल्यू एच के बराबर हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये एच हो जाएगी, सिमेट्रिक ट्राइंगल है तो एच और ये बराबर होगा। और ई कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस होती थी, इस स्लीव से लेकर के जो बॉल का रोटेशन प्लेन होता है ये वाली डिस्टेंस ई होती है, ठीक है। ये डिस्टेंस ई दिख रही है इस केस में, ये ई दिख रहा है, ठीक है, ई दिख रहा है, तो ये सिमेट्रिक केस है इसीलिए। अब देखो क्या करते हैं, तो हमें फार्मूला पता है भाई, इसका फार्मूला हमें पता था कि जो स्पीड प्रोइल गवर्नर के लिए जो स्पीड का रिलेशन होता है, स्पीड हाइट का रिलेशन, वो स्पीड हाइट का रिलेशन कुछ इस तरीके से है, वो देख सकते हैं हम लोग यहाँ। तो एन स्क्वायर वैल्यू होती है 895/h a/e इंटू 2mg प्लस कैपिटल mg प्लस माइनस f इंटू 1+k/2mg, ये रिलेशन था, ये रिलेशन था, ठीक है। दिस इज द रिलेशन। चलिए अब ये सिमेट्रिक केस है, दिस इज अ सिमेट्रिक केस, तो इस वाले केस में थीटा बीटा के बराबर होगा, ए और एच के बराबर हो जाएगा, और एफ इसमें केस में जीरो होगा। तो इस केस में जो के की वैल्यू वन हो जाएगी, और जब के की वैल्यू वन अगर हम इस फॉर्मूले में रखते हैं, इस वाले फार्मूले में, तो हमें ये नया फार्मूला, ये वाला ये फार्मूला हमें मिल जाएगा। तो एन हमें दिया हुआ है, एन की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, ये डेटा हमें दिया गया है, ये डेटा दिया हुआ है, तो ये 895, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। इसके बाद h दिया गया है, h की वैल्यू देखते हैं, h नहीं, h हमें नहीं दिया हुआ है, h देख लेंगे, हाँ h दिया हुआ है, हाइट दी है, a की वैल्यू h के बराबर है, e की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, m कैपिटल m ये सारी वैल्यू दी हुई है, तो ये 180 दिया हुआ है, 895, ठीक है, वो ये h और ये बराबर है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ये e हो गया, तो यहाँ से e की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। और इस फिगर में e, अब देखो एक्सटेंशन लिंक क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये e मिल गया, और यही तो एक्सटेंशन लिंक हो जाएगी इस वाले केस में, इस केस में यही तो एक्सटेंशन लेंथ, लिंक की लेंथ हो जाएगी, यही हो जाएगी ना a, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस e दी है, ये a दिया है, तो अगर हमें एक्सटेंशन लिंक की लेंथ x निकालनी हो, तो क्या हो जाएगी, ए में से ई में से ए घटा देंगे, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी एक्सटेंशन लिंक की। तो वही हमने किया, लेंथ ऑफ एक्सटेंशन लिंक एक्स इज इक्वल्स टू ई माइनस ए, सो दैट लेंथ विल बी 104 mm, दिस इज योर आंसर, ओके। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं ये वाली लिंक देखते हैं हम टेंशन कैलकुलेट करने के लिए, ये वाला पोर्शन देखो। तो अगर इस ए बी लिंक की हम बात करते हैं, इस ए बी लिंक की बात करते हैं, तो इस ए बी लिंक में अगर फोर्सेस की बात करेंगे, तो एक टी कंपोनेंट ही होगा, तो यहाँ एक जॉइंट बना हुआ है, तो ये टी फोर्स जो कि इसमें लग रहा है अपर आर्म के अंदर, अपर आर्म के ऊपर एक फोर्स लग, ये जो टेंशन टी डेवलप हो रहा है इस अपर आर्म में, तो क्या होगा, इस टी का एक कंपोनेंट इधर होगा, तो हम केवल वर्टिकल कंपोनेंट को कंसिडर करेंगे इस केस में, तो कोई भी एक हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कोई भी केस कंसिडर कर लो, तो इसका एक कंपोनेंट ये टी कॉस थीटा ऊपर की ओर एक्ट करेगा। अच्छा एम जी इसी जॉइंट पे लग रहा होगा, वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और इस लिंक पे दूसरा और कौन सा फोर्स लग रहा होगा, ये mg/2, यही तो फोर्स लग रहा है इस लिंक पर, लिंक ए बी पर कौन से फोर्स लग रहे हैं भाई, देखो ये ए पॉइंट टी कॉस थीटा ऊपर की ओर खींच रहा है, एम जी नीचे की ओर लग रहा है, और ये कैपिटल mg/2 ये नीचे लग रहा होगा स्लीव के, ये पॉइंट बी पर लग रहा होगा, ठीक है। तो यही हम इसी के एनालिसिस करेंगे आगे। तो हमने मान लिया कि जो टी टेंशन है अपर लिंक के अंदर में टेंशन टी है, तो वर्टिकल फोर्सेस वर्टिकल कंपोनेंट को ही देखेंगे, तो ये लिंक कुछ इस तरीके से थी, ये पॉइंट ये बी पॉइंट है, ऊपर की ओर टी कॉस थीटा लग रहा है, नीचे एम जी लग रहा है, और ये नीचे कैपिटल mg/2 लगेगा।
तो बाई फोर्स बैलेंस कर लेंगे, तो अपवर्ड फोर्स ये हो गया, डाउनवर्ड फोर्स ये सारे हो गए, इन दोनों को बैलेंस करेंगे। अच्छा, इन दोनों को बैलेंस करने से पहले हमें थीटा नहीं पता है, क्या हमें थीटा एंगल पता है? नहीं, थीटा नहीं पता। तो वो थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर ये एंगल थीटा है तो इससे पहले न्यूमेरिकल जो हमने किए हैं क्या करेंगे, ये एंगल बन जाएगा हमारे पास थीटा, ठीक है। ये आर्म पता है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस एच पता है, तो ये बेस हो गया और ये हो गया हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ से थीटा कॉस थीटा अप्लाई करेंगे तो हमें कॉस थीटा की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। देखिए, ठीक है, कॉस थीटा अप्लाई किया, कॉस थीटा अप्लाई करेंगे तो हमें इजीली इसकी थीटा की वैल्यू, या कॉस थीटा ही चाहिए तो कॉस थीटा की वैल्यू डायरेक्टली वहाँ से मिली जाएगी, ठीक है। तो कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे 0.792 मिला। ये वैल्यूज़ यहाँ पुट की, पुट करने के बाद फाइनली वी गॉट दिस रिलेशन, वी गॉट दिस आंसर, ठीक है। सो द टेंशन डेवलप्ड विल बी 223 न्यूटन, दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंशन डेवलप्ड इन दिस आर्क, ओके। चलिए, अब नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है दैट इज ऑफ हार्टनेल गवर्नर। तो हार्टनेल गवर्नर के बारे में क्या दिया गया है, हमें बोला गया है इन ए हार्टनेल गवर्नर द एक्सट्रीम रेडियाई ऑफ रोटेशन ऑफ बॉल्स आर 40 mm एंड दिस। तो एक R1 दिया है, एक R2 दिया है। एक्सट्रीम की बात करेंगे तो एक R मिनिमम बोल लेंगे और एक मान लेंगे हम R मैक्सिमम, ठीक है। एक R मिनिमम और एक R मैक्सिमम, एक टर्म ये दिया है, एक टर्म दिया है। द करस्पॉन्डिंग स्पीड, तो ये N1 दिया है, ये N2 दिया है, स्पीड्स दे दिए। द मास ऑफ ईच बॉल इज, बॉल का मास दे दिया स्मॉल m, द लेंथ ऑफ द बॉल एंड द स्लीव आर्म्स आर इक्वल। अब जी सारी चीज़ें इक्वल है, आर्म और ए, तो अगर आर्म मतलब आर्म और जो लेंथ ऑफ बॉल, बॉल अच्छा बॉल एंड स्लीव आर्म्स, तो एक बॉल आर्म होती थी एक स्लीव आर्म होती थी, वो उन दोनों की लेंथ बराबर है, तो हमें क्या करना है, डिटरमाइन द इनिशियल कंप्रेशन एंड द कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। तो स्प्रिंग कांस्टेंट या स्प्रिंग स्टिफनेस एस हमें कैलकुलेट करना है, और इनिशियल स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन जो पूछा गया है कि जब फोर्स लगाएंगे तो कितनी स्प्रिंग आपकी डिफ्लेक्ट हो जाएगी, वो वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। चलिए, तो इसको देख लेते हैं क्या क्या पैरामीटर्स हमें दिए गए हैं। सो द डेटा गिवन अस टू अस इज, तो क्या क्या डेटा दिया गया है, पहले तो हमें बताया गया कि हार्टनेल गवर्नर है आपका, इनिशियल जो रेडियस होती है का मिनिमम रेडियस इज R1 दैट इज 40 mm, तो उस पर स्पीड दिया गया है 210 rpm। इसके बाद R2 दिया गया है 60, उस टाइम पे स्पीड इतनी rpm है। स्मॉल m दिया है कैपिटल, अब क्योंकि कैपिटल m इसमें नहीं दिया है तो इसको जीरो एज्यूम करेंगे। फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स नहीं दिया है, इसको जीरो एज्यूम करेंगे। अब क्योंकि ये जो बॉल, एक तो बॉल एंड होता है एक रोलर एंड होता है, तो दोनों एंड बराबर हैं, ए और बी ये दोनों बराबर हैं, तो ए और बी बराबर होंगे, तो उस वाले केस में थीटा वगैरह कुछ नहीं कंसिडर करना है, तो ये दोनों ये वाले ये केसेस हो जाएंगे, ठीक है। तो एक ये केस ये हो जाएगा और दूसरा केस ये हो जाएगा, तो कोई भी कंसीडर कर लो, हर एक में बराबर होगा। अच्छा, पहले जब ये स्लीव होगा तो क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे, देखो अपर बॉल, यहाँ पर बॉल लगी होती है, अपर एंड होता है, ये डायग्राम अगर आपको देखेंगे तो गवर्नर, हार्टनेल गवर्नर का डायग्राम हम पहले पढ़ चुके हैं उसकी एनालिसिस में। तो ये सेंट्रिफ्यूगल फोर्स लग रहा है बाहर की ओर, m1 ω1 square, जब इस आपकी रेडियस R1 पे ये बॉल घूम रही है, ये जो बॉल है ये बॉल R1 रेडियस पर घूम रही है, देखो R1 ये दिख रहा है, R1 पे घूमेगी तो उस टाइम पे ये वाला फोर्स लगेगा, और नीचे स्प्रिंग फोर्स डाउनवर्ड हाफ, आधा पोर्शन स्प्रिंग फोर्स का लगेगा। ये दूसरा केस है जब ये वाली जो आर्म है, पहले तो ये इस केस में थी, बेल क्रैंक लीवर जो है वो आपका इस केस में था ना, पहले दो केसेस हैं बेल क्रैंक लीवर के, एक में तो वो इस तरीके से है, एक में तो वो इस तरीके से है, और दूसरी बार वो इस तरीके से हो गया है, ठीक है। तो ये दोनों केसेस में देख लेते हैं। चलिए, तो देखो, ठीक है, तो हमें पता है एक फार्मूला हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो ये FS1 ये सारे टर्म्स हो गए, ठीक है। तो हमने मान लिया कि इनिशियल स्प्रिंग का जो कंप्रेशन है वो Δ1 है, और स्टिफनेस ये है, और FS1 और FS2 क्या है, स्प्रिंग फोर्स जो कि स्लिप पर लगेंगे व्हेन स्पीड n एट करस्पॉन्डिंग स्पीड इज n1 एंड n2 rpm। तो सेंट्रिफ्यूगल फोर्स पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसकी वैल्यू m R1 ω1 square हो जाएगी, m पता है, r पता है, इनिशियल रेडियस पता है, और ω2π n/60 यहाँ से निकाले, तो यहाँ से पहला जो सेंट्रिफ्यूगल फोर्स हो गया एट स्पीड R1 n1 इज 58.1 newton, और इसी तरीके से हम सेंट्रिफ्यूगल फोर्स निकाल देंगे एट स्पीड ओमेगा व्हेन आर इज 60 rpm एंड एन इज 230 rpm। तो इस वाले केस में m R2 ω2 square ये वाला फॉर्मूला रखेंगे, तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ से हमें F2 पे कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अब देखो, लास्ट टाइम जब हम लोगों ने हार्टनेल गवर्नर का डेरिवेशन किया था, उसकी एनालिसिस की थी, तो हमें एक रिलेशन मिला था स्प्रिंग स्टिफनेस का इन द फॉर्म ऑफ सम पैरामीटर्स। तो ये वैल्यू थी एस इज इक्वल्स टू 2 a/p का होल स्क्वायर इंटू f2 - f1/r2 - r1। तो ये वैल्यूज अगर हम पुट करेंगे, अब क्योंकि ए और बी दोनों बराबर हैं आपस में, इसलिए इन दोनों का रेशियो 1 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे और f2 और f1 r2 r1 की वैल्यू पुट करेंगे। याद रखना है कि जो R1 और R2 की वैल्यू है, ये डिपेंड करेंगे जिस टर्म में आप रखेंगे वो रिलेशन। तो इसकी यूनिट्स का खास तौर से हम लोगों को ध्यान रखना है। अगर यूनिट में चेंजेस होंगे तो उस हिसाब से हमें स्प्रिंग स्टिफनेस उसी फॉर्म में लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर जो स्प्रिंग स्टिफनेस हमें मिलेगी वो मिलेगी 3750 न्यूटन मीटर, ठीक है। दिस इज द स्प्रिंग स्टिफनेस। अच्छा, दूसरा हमें देखना है कि उस जब स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू या डिफ्लेक्शन कितना होगा जब आपका जो गवर्नर है, गवर्नर इज रोटेटिंग एट n1 rpm, ठीक है। तो उस वाले केस में वो ये डेरिवेशन हम लोगों ने पहले भी कर चुके हैं। तो हम क्या करें, सिंपली मोमेंट ले रहे हैं ए के अबाउट, ठीक है। ए के अबाउट सिंपली क्या कर रहे हैं, मोमेंट ले रहे हैं। तो देखो, ए के अबाउट अगर हम मोमेंट लेंगे तो एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट क्लॉक वाइज मोमेंट होगा, इस डायग्राम को देखेंगे तो ए के अबाउट मोमेंट देंगे तो ये हाइट h और ये एम एफ वन, तो एफ वन इंटू ये एंटी क्लॉक वाइज और एफ एस वन बाई टू इंटू बी ये क्लॉक वाइज हो जाएगा। तो दोनों मोमेंट आपस में बराबर हो जाएंगे। तो एफ वन इंटू ए इट इज़ इक्वल्स टू 1/2 इंटू एफ एस वन इंटू बी, और ए और बी के बराबर है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो एफ एस वन की 2b1 एफ वन के बराबर होगी, और एफ वन हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं तो इसकी वैल्यू 116.2 आ जाएगी। मतलब इस फ्रिक्शन जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है इनिशियली, उसकी वैल्यू हो गई 116.2 न्यूटन, ठीक है। 116.2 न्यूटन आ गया स्प्रिंग फोर्स। अच्छा, हमें कैलकुलेट करना है कि उस जब ये स्प्रिंग आपकी कंप्रेस हुई है, FS1 फोर्स कैलकुलेट करना है जब स्प्रिंग कंप्रेस हुई उस टाइम पर कंप्रेशन कितना है, ठीक है, एट n1 rpm। तो हम को हुक्स लॉ एक पता है कि इस इन दोनों के बीच में क्या डिफ्लेक्शन, अगर डेल्टा डिफ्लेक्शन हो और स्प्रिंग स्टिफनेस एस होती है तो जो स्प्रिंग फोर्स होगा दैट इज़ इक्वल्स टू डेल्टा एस। अगर डेल्टा डिफ्लेक्शन है, एस स्प्रिंग स्टिफनेस है और डेल्टा डिफ्लेक्शन है, तो उस टाइम पे स्प्रिंग फोर्स ये होता है, ठीक है। हुक्स लॉ भी हम लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये दोनों वैल्यूज पुट करेंगे इस रिलेशन में, और पुट करने के बाद यू गेट फाइनली गेट द डिफ्लेक्शन, ये डिफ्लेक्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है, इजीली। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, ये न्यूमेरिकल थोड़ा बड़ा है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें 2 पार्ट है। तो इसको देख लेते हैं। ईच बॉल ऑफ अ पोर्टर गवर्नर हैज़ अ मास ऑफ 3 किलोग्राम, हैज़ अ मास ऑफ 3 किलोग्राम एंड मास ऑफ स्लीव इज 15 किलोग्राम। द गवर्नर हैज़ इक्वल आर्म, से इक्वल आर्म दिए, ईच ऑफ 120 mm लेंथ एंड पिवटेड ऑन द एक्सिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन पिवटेड है। वेन द रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉल्स इज 120 mm एंड द स्लीव बिगिंस टू राइज अप। तो जब रोटेशन जो होता है आरपीएम, जो रेडियस और रोटेशन 120 mm है, तो वो स्लीव ऊपर की ओर मूव करने लगता है। कब तक मूव करता है, एट 160 mm एट द एक्सट्रीम, मतलब मैक्सिमम स्पीड पर जो रोटेशन डिस्प्लेसमेंट है या रोटेशन रेडियस हम इसको बोल सकते हैं। तो रोटेशन रेडियस कितनी दी गई है, मैक्सिमम स्पीड पे इट इज़ 160 mm, ठीक है। चलिए तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, पहले तो रेंज ऑफ स्पीड कैलकुलेट करनी है कि जब वो 120 आरपीएम से मूव कर रहा था तब क्या कंडीशन थी, और जब 160 से मूव कर रहा है तब क्या कंडीशन थी। तो उस टाइम पे दोनों टाइम पे स्पीड में चेंजेस कितना हो रहा है वो निकालना है। लिफ्ट ऑफ द स्लीव, स्लीव की लिफ्ट कितना है, एफर्ट कितना है गवर्नर का, पावर कितनी है गवर्नर की, और ये सारे पैरामीटर कैलकुलेट करने हैं। और दूसरा ये पूछा गया है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन एट द स्लीव इफ़ इट इज़ इक्वलेंट टू 8 न्यूटन। तो पहले जब हम सारी कैलकुलेशंस करेंगे, रेंज निकालेंगे, लिफ्ट निकालेंगे, एफर्ट निकालेंगे, ठीक है, रेंज लिफ्ट एफर्ट ये सारे पैरामीटर्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे, एफर्ट पावर लिफ्ट रेंज ये सारी चीज़ें फिर कैलकुलेट करेंगे पहले विदाउट फ्रिक्शन, और दूसरे केस में जब हम फ्रिक्शन को कंसीडर करेंगे 8, 9। तो ये देखना है कि फ्रिक्शन की वजह से किस किस पैरामीटर में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें दी गई हैं, उस डेटा को लिख लेते हैं, क्योंकि अगर हम ये डेटा पहले लिख लेते हैं तो कम से कम हमारा आधा न्यूमेरिकल वैसे ही सॉल्व हो जाता है, बिकॉज वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड द न्यूमेरिकल। ओके, व्हाट डेटा इज गिवन टू अस, ठीक है, चलिए ओके।
सो लेट अस हैव अदर थिंग्स. तो द गवर्नर, पोर्टर गवर्नर दिया गया है. बॉल का मास 3 किलोग्राम, स्लीव का मास 15 किलोग्राम, और हर एक आर्म की लेंथ दी गई है 200 mm. वो सारी आर्म कैसी हैं, इक्वल हैं, और आर्म कहाँ पर पिवोटेड है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे. पहले जो बोला गया कि आपका जो बॉल्स हैं वो 120 mm की रेडियस पर रोटेट कर रही हैं, तो उस टाइम पे स्लीव ऊपर की ओर मूव कर, मतलब राइज होने स्टार्ट कर रहा है. इसका मतलब इससे पहले स्लीव नीचे की ओर मूव कर रहा था, तो इस वाले केस में फ्रिक्शन को नेगेटिव ले लेंगे. और क्योंकि स्लीव नीचे की ओर मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर, और क्योंकि मास हमेशा डाउनवर्ड लगता है, उसका वेट डाउनवर्ड, इसलिए वेट डाउनवर्ड, फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड. तो नेट जो फोर्स उस पर लगेगा वो वेट में से उसका फ्रिक्शन फोर्स घटा देंगे. और दूसरे टाइम पे जब उसकी रेडियस ऑफ रोटेशन 160 RPM है, तो उस टाइम पे आपको मैक्सिमम स्पीड मिलेगी. ठीक है, तो ये देखना है. तो चेंज इन स्पीड ये निकालना है, लिफ्ट निकालना है, एफर्ट E/2 निकालना है, पावर निकालना है. ठीक है, एंड ऑल पैरामीटर्स वी हैव टू कैलकुलेट ऑल दिस पैरामीटर इफ़ द फ्रिक्शन ऑफ 8 न्यूटन इज़ कंसिडर्ड. इसके लिए हम क्या मान लेते हैं कि पहले जो स्पीड की गवर्नर की स्पीड N1 है, अगर वो R1 रेडियस पर रोटेट कर रहा है, और वहीं स्पीड N2 हो जाएगी अगर वो R2 रेडियस पर रोटेट करता है. ठीक है, तो दोनों कंडीशन में पहले फिगर ए बना लेते हैं. दिस फिगर ए इज, उस कंडीशन में फिगर ए बनाया है हमने, जब जब रेडियस ऑफ रोटेशन इज 120 mm. तो पोर्टर गवर्नर कुछ का ये डायग्राम हो गया. पोर्टर गवर्नर का पहला फिगर ए में ये आर्म 200 mm दी गई है, रेडियस ऑफ रोटेशन 120 दिया गया है. अब क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, अच्छा M1 R1 ओमेगा, उसका ये बाहर की ओर लगेगा, एम जी फोर्स नीचे की ओर लगेगा. तो हाइट ऑफ गवर्नर कैसे निकाल लेंगे, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है. तो दिस इज हाइपोटेनियस और दिस इज परपेंडिकुलर. इफ दिस इज एंगल इज थीटा, तो परपेंडिकुलर ये हो गया हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर. तो यहाँ से एच इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से. तो H1 की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी 160 mm. इसको हम 0.16 मीटर भी लिख सकते हैं. इसी तरीके से अगर दूसरा फिगर काउंट करेंगे, जब वो 160 RPM 160 मीटर रेडियस पर आपका जो बॉल मूव करेगी, तो उस वाले केस में इसी तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. यहाँ से हमें H2 हाइट ऑफ गवर्नर, तो देखो हमें इजीली पता चल जाएगा, क्योंकि इनिशियली अगर कम स्पीड पर ये रोटेट करेगा तो ऑब्वियसली हाइट ऑफ गवर्नर ज़्यादा होगी, और जब ये हाई स्पीड पर मूव करेगा तो हाइट ऑफ गवर्नर रिड्यूस हो जाएगी. तो देखो ये वाली वैल्यू ज़्यादा है पहले और ये बाद में है, तो दैट इज़ द करेक्ट थिंग. अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे कि सारी लिंक जो आपस में बराबर है. देखो ये 200, पहले चाहे पहला केस कंसिडर करो, दूसरा ये 200, ये 200, ये 160, तो ये आर्म तो ये कॉन्स्टेंट है, ये तो ये बराबर है. इसका मतलब तो दो साइड्स अगर आपस में बराबर है कि नहीं, दो ट्राइंगल्स की, तो हम बोल सकते हैं कि ये कैसे ट्राइंगल्स हैं, सिमिलर एंगल ट्राइंगल है. ठीक है, तो अगर सिमिलर एंगल ट्राइंगल है तो इसका मतलब क्या हो गया कि सारी आर्म्स बराबर होंगे. तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस भी बराबर होंगे, और जो एंगल यहाँ बनेगा, जो एंगल यहाँ बनने वाला है, जो बीटा यहाँ बनेगा, वो थीटा भी यहाँ, यहाँ तो थीटा बनता है, यहाँ क्या बनता है, बीटा. तो बीटा किसके बराबर हो जाएगा, थीटा इस केस में, इसीलिए के कितना हो जाएगा 1. और हमें पोर्टर गवर्नर का रिलेशन पता है ये वाला, तो अगर इसमें अगर हम के की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये टर्म कुछ इस तरीके से बन जाएगा. तो पहला केस हम स्टडी कर रहे हैं, केस 1, जब हम फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं करेंगे. तो पहले ये देख रहे हैं कि अगर फ्रिक्शन को कंसिडर ना करें तो RPM बाकी सारे पैरामीटर कैसे आएंगे. तो हमें पता है कि N² अगर हम K की वैल्यू 1 होती है तो N² होता है 895/H m M, ये रिलेशन होता है. सारे पैरामीटर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, H पता है, स्मॉल m पता है, कैपिटल M पता है, सारी वैल्यूज पुट करेंगे. पुट करने के बाद फाइनली वी गेट दिस रिलेशन. तो इनिशियली जब हम हमारी जो गवर्नर बॉल्स हैं 120 mm रेडियस ऑफ रोटेशन पर है, तो उस वाले केस में RPM कितना है, 183.2 RPM. इसी तरीके से जब 160 RPM पे आपकी बॉल्स रोटेट करेंगी, तो सॉरी 160 mm रेडियस ऑफ रोटेशन पर रोटेट करती हैं, तो उस टाइम पे स्पीड कितनी आ गई, 212.5. ठीक है, अब रेंज ऑफ स्पीड क्या होती, मैक्सिमम में से मिनिमम घटा देते हैं. रेंज ऑफ स्पीड ये हो गया, परसेंटेज रेंज या परसेंटेज चेंज पूछा जाता तो हम इनिशियल स्पीड से डिवाइड कर देते हैं. तो N2 में से N1 घटाएंगे या मैक्सिमम स्पीड में से मिनिमम स्पीड घटा देंगे, तो हमें मिल जाएगा 212.5 -183.2. तो यहाँ से डेल्टा N की वैल्यू आ जाएगी. अच्छा, लिफ्ट ऑफ गवर्नर फार्मूला मैंने पहले ही बता दिया था, इससे पहले जो लेक्चर नंबर 3-4 था, लेक्चर 4 में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि लिफ्ट ऑफ गवर्नर 2 H1 - H2
एच वन पता है, एच टू पता है, दोनों का रेफरेंस करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई टू करेंगे तो लिफ्ट हमें पता चल जाएगा। इसके बाद एफर्ट ऑफ गवर्नर, ये पहले ही बता चुका हूँ, एक रिलेशन पर ले से बता चुका हूँ मैं पहले प्रीवियस वीडियोज़ में। तो ई बाई टू होता है सी जी अपॉन वन प्लस के इंटू टू एम प्लस कैपिटल एम इंटू वन प्लस के। अब क्योंकि के की वैल्यू यहाँ पर बन है इसलिए ये टू हो जाएगा, ये टू, ये टू, ये भी टू, टू टू आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से रिलेशन क्या बनेगा, ई बाई टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू सी इंटू जी। अब देखो सी क्या है, सी सी जो है परसेंटेज, सो ये आप बोल सकते हैं चेंज इन स्पीड ऑफ द विद रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट वन। मतलब पहले अगर आप इसकी स्पीड 200 RPM थी, पहले आपकी स्पीड 200 RPM थी मान लिया, अगर पहले स्पीड 200 RPM है और बाद में स्पीड आपके 300 RPM हो गई, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी की वैल्यू हो जाएगी कितना चेंज हो गया, मतलब 0.5 टाइम्स ऑफ 200, यही तो हो गया यहाँ पे सी की वैल्यू ये हो गई। तो यहाँ कैसे निकालेंगे, यहाँ निकाल सकते हैं कि कितना चेंज हो गया। तो देखो पहले हम इसमें निकाल सकते हैं कि पहले स्पीड कितनी, बाद में स्पीड बढ़ गई माइनस पहले स्पीड, तो ये चेंज कितना हो गया। अब ये जो टोटल चेंज है वो इनिशियल स्पीड का कितना टाइम्स है, ठीक है वही तो लिखा। तो बाद में स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड, इन दोनों का डिफरेंस देखा और वो किसके बराबर है, मान लिया सी टाइम्स, या सी टाइम्स वो बढ़ गया पहले से, तो सी टाइम्स ऑफ एन वन हो गया, तो सी की वैल्यू 0.16। हम ये बोल सकते हैं कि अगर आपका जो बॉल्स दूसरी आर टू रेस पर रोटेट करेंगी, कब रोटेट करेंगी, अगर हम इनिशियल स्पीड को 0.16 टाइम और बढ़ा दें तो टोटल स्पीड कितनी 1.16 टाइम हो जाएगी, ठीक है 1.16 टाइम्स ऑफ एन वन हो जाएगी हमारे पास स्पीड। ये सारी वैल्यूज हमारे पास मिल चुकी हैं, ये वैल्यू फॉर्मूले में पुट करेंगे इस वाले फॉर्मूले में तो हमें मिल जाएगा दिस टर्म्स विल बी, तो ये हो जाएगा आपके पास ई बाई टू दैट इज एफर्ट इज 28.3 न्यूटन एफर्ट हो जाएगा। इसके बाद पावर क्या होती है, पावर मैंने बताया था फॉर्मूला, पावर होता है एफर्ट मल्टीप्लाइड बाई द लिफ्ट। एफर्ट ई बाई टू की वैल्यू पता है, लिफ्ट पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं, सेकेंड केस में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर 2.19 आ जाएगा। या एक रिलेशन और था, एक रिलेशन और था, फॉर्मूला था हमारे पास, उस फॉर्मूले को उन फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे। ये फॉर्मूला भी मैंने आप लोगों को लिखवाया था, तो इसमें के क्योंकि वन है तो इस तरीके से ये वाला रिलेशन मिलेगा और इसमें सारे पैरामीटर्स अगर हम पुट करते हैं देन वी फाइंड दिस रिलेशन। अब क्योंकि ये थोड़ा बहुत चेंज इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लिया गया, इसमें डायरेक्टली हम लोगों ने पुट किया तो थोड़ा बहुत चेंज चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये सारे पैरामीटर्स हमने कैलकुलेट किए हैं अगर फ्रिक्शन को कंसिडर ना किया जाए। अब यही केस, पहले केस में हमने फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं किया, अब हम सेकंड केस स्टडी करेंगे जब फ्रिक्शन को कंसीडर करेंगे तो एफ़ की वैल्यू 8N। तो इसी से आप इसी तरीके से तो हम क्या करेंगे, बस कुछ नहीं होगा, ज़्यादातर फॉर्मूले में चेंज हो जाएगा, फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और फॉर्मूले में जहाँ पर पहले एफ़ को हमने नेगलेक्ट किया था अब एफ़ को कंसीडर करना है। अब देखो फिर एक बार मैं और दोबारा से बताना चाहूँगा आप लोगों को, अगर इनिशियल कंडीशन में आपका स्लीव किसी कंडीशन से ऊपर की ओर मूव कर रहा है, ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स नेगेटिव होगा और सेकंड कंडीशन में हम फ्रिक्शन फोर्स पॉजिटिव लेंगे। तो अब क्योंकि अभी आपका स्लीव रोटेट कर ऊपर की ओर जाने वाला है तो इनिशियल कंडीशन ये होगा, इसीलिए फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू माइनस में आई है, ठीक है। तो ये रिलेशन बन जाएगा अगर फ्रिक्शन फोर्स को कंसीडर करते हैं, तो 895 पता है हाइट h ये दिया हुआ है, 3 9.81 m ये सब पैरामीटर्स दिए हुए हैं, 8 ये भी दे, क्योंकि कीप इन माइंड मिस्टेक होने के चांसेस पूरे पूरे होते हैं, इसीलिए इसको अपने माइंड में बिठा लो n1, ठीक है। तो हमने मान लिया कि जो नया RPM है इनिशियली वो 179 RPM आ गया। इसी तरीके से अगर हम दूसरी स्पीड पे या दूसरी हाइट के हिसाब से देखते हैं, जब वो आपकी बॉल्स रोटेट करेंगे दूसरी हाइट पे, तो उस टाइम पे h2 ये हो जाएगा, फ्रिक्शन को कंसिडर करेंगे तो बस एफ, अब क्योंकि आपकी बॉल ऊपर की ओर मूव कर चुकी है, ऊपर की ओर मूव कर रही है, तो ये फ्रिक्शन पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी आपको माइंड में रखना। अगर ये आप ऐसा ना हो कि आप दोबारा से माइनस में, नहीं माइनस में, ये प्लस में आएगा। प्लस में क्यों आएगा, क्योंकि इस टाइम पे आपका स्लीव ऊपर की ओर मूव करेगा, अगर स्लीव ऊपर की ओर मूव करेगा तो मास जो कि स्लीव पर रखा हुआ है और फ्रिक्शन फोर्स दोनों नीचे काम करेंगे, इसलिए नेट एफर्ट प्लस में हो जाएगा। ये दोनों वैल्यूज हम लोग एडअप करेंगे, एडअप करने के बाद सॉरी इसमें पुटअप करेंगे, पुटअप करने के बाद तो हम क्या करेंगे, पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा,
नया आरपीएम मिल जाएगा। तो कुछ नहीं करना, रेंज ऑफ स्पीड दोनों का डिफरेंस करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे वैल्यूज। लिफ्ट, क्योंकि लिफ्ट में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि H1 H2 में कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा, एफर्ट में चेंज हो जाएगा। एफर्ट में चेंज क्यों हो जाएगा? क्योंकि C चेंज हो जाएगा। अब देखो, क्योंकि इससे पहले F नहीं लिया था, लेकिन इसमें F लेना पड़ेगा, इसीलिए ये रिलेशन होता है। ये भी मैंने आपको लिखवाया था, याद कर लेना। तो ये स्मॉल एम जी प्लस कैपिटल एम जी प्लस एफ मल्टीप्लाइड बाई सी, ठीक है। अब सी कैसे निकालेंगे? कितना पहली वाली स्पीड का कितना चेंज हो गया, तो पहली वाली स्पीड का सी टाइम्स चेंज हो गया, तो पहली स्पीड माइनस बाद वाली स्पीड देख लेंगे। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि इस केस में जो स्पीड बढ़ी है वो प्रारंभिक इनिशियल स्पीड की 2.208 टाइम्स इंक्रीज हो गया। तो ये वैल्यू स्पुट करेंगे तो हमें एफर्ट मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी पावर कैसे लेंगे। तो पावर क्या होता है? एफर्ट मल्टीप्लाइड बाई लिफ्ट। अब देखो, ये एनालिसिस टेबल है, ये टेबल है कि हम कंपैरिजन करेंगे कि जब फ्रिक्शन नहीं है तो क्या वैल्यूज हैं, और फ्रिक्शन हम कंसीडर करेंगे तो क्या वैल्यू है। तो देखो, विदाउट फ्रिक्शन, जब फ्रिक्शन नहीं लिया गया तो रेंज कितनी आ रही है? 29.3। फ्रिक्शन कंसीडर किया तो 37.3। तो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि रेंज में परिवर्तन हो गया। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन को रिकवर करने के लिए स्पीड में इंक्रीमेंट होगा। दूसरा, लिफ्ट चेंज नहीं होगी, क्योंकि लिफ्ट में कोई परिवर्तन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि उस फॉर्मूले में H1 H2 आ रहा और H1 H2 में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। नेक्स्ट, एफर्ट की बात करेंगे। तो इनिशियली अगर एफर्ट जो था, जो फोर्स स्लिप पर लग रहा है, वो 28.3 था, लेकिन अब 38.9 लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। इस फ्रिक्शन को भी हमें क्या करना पड़ेगा? इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। और पावर, इस वाले केस में पावर कम है, बाद वाले केस में पावर ज़्यादा है। ज़्यादा क्यों है? क्योंकि एफर्ट ज़्यादा है, इस वजह से पावर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ हमने लगभग हर एक टाइप का, जो हर एक गवर्नर का, हर एक टाइप के जो भी क्वेश्चंस थे वो कर लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बैलेंसिंग वाला चैप्टर। बैलेंसिंग में देखेंगे कि बैलेंसिंग में क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं, क्या क्या किस तरीके से बैलेंसिंग करते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, कितने टाइप की बैलेंसिंग होती है, स्टैटिक बैलेंसिंग, डायनामिक बैलेंसिंग, और क्या क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। तो गवर्नर के बारे में, टॉर्क मोमेंट डायग्राम के बारे में, टॉर्क क्रैंक एंगल डायग्राम के बारे में, वो सारा नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, ओके।